माइल आयफ हुसैन बादल यादगिरी प्रेसिडेंट तंजीमुल मुस्लिमीन व बैतुल माल यादगिर। इन नाजुक हालात में ये अपील करता हूँ कि कोविड-19 आने से हिंदुस्तान के हालात और दुनिया भर के हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। इसमें 3 फीट के फासले पर हमको रहना है, क्योंकि ये बीमारी एक दूसरे को लगने का डर है। इस बीमारी से हमको बचना है और इन हालात में ये बीमारी आई है कि हमको रमज़ान में रोज़े रहना है। रमज़ान शरीफ आ चुका है, रमज़ान की खुशियां हमें मनाना ज़रूरी है, रोज़े रखना ज़रूरी है, मगर हालात ऐसे हैं कि हम बयान नहीं कर सकते कि पूरे हिंदुस्तान भर में कोविड-19 कोरोना आने से पूरे लॉकडाउन हो गया है। इस वजह से हम तमाम इस कोरोना वायरस से परेशान है, हुकूमत भी इसमें जो है ना परेशान है। और मैं ये कोरोना के बीमारी आने से आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे मसाजिद बंद हो चुके हैं, हमारी नमाजें हमारे घर में अदा की जा रही है, हमें रमज़ान की कोई खुशी व मसरत महसूस नहीं हो रही। और इसके लिए मैं तंजीम के जानिब से, बैतुल माल की जानिब से ये अपील करता हूँ कि आप लोग रमज़ान की खुशी ज़्यादा ना मनाते हुए कि बाज़ार में ख़रीदो फरोख्त के लिए मत आइए, क्योंकि हमें जो है ना लफ्ज़ मुसलमान के लिए जो है ना हमको बदनाम किया जा रहा है। जैसा कि मिसाल के तौर पर दिल्ली मरकज़ में तबलीगी जमातों के लिए एक जलसे में जाने से तमाम हिंदुस्तान में जो है ना मुसलमानों को जो है ना बदनाम किया गया है। और इस वजह से मैं तमाम यादगिर के मुसलमान भाइयों को और बहनों को और नौजवानों से अपील करता हूँ कि वो बाज़ार में जाके ख़रीदो फरोख कोई भी चीज़ जो है ना बाज़ार में आकर ना ख़रीदें, क्योंकि हालात बहुत ख़राब है। वही है आपके पास, ये कोरोना कब ख़त्म होने वाला है पता नहीं है, क्योंकि यही पैसा जो आपके पास है वो पैसे को जो है ना हिफाजत करके रखे, आइंदा वक्त आपके जो है ना आपके लिए काम आए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अदबन गुजारिश करता हूँ, हमारे माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने मकानों से बाहर मत जाइए। भी अल्लाह ताला आपके मकान में जो है वही जो है ना खरीदी वही जो है ना पहनकर ईद मनाइए। अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी बख्श दिया तो आगे इसी बहुत बड़ी बेहतरीन ईद मनाएंगे हम और आप लोग मिलके। और नौजवानों से भी गुजारिश करता हूँ कि हालात को देखते हुए आप भी हालात से समझौता करें, वक्त की पाबंदी करते हुए अपने अपने घरों को में नमाज अदा करें, क्योंकि हमको रमज़ान में जो है ना इबादत ही ज़रूरी है। और कोरोना के लिए भी जो है ना इबादत करें, कोरोना जो है ना हमारे हिंदुस्तान जो है ना छोड़कर चले जाए। और हमारी बहनों से भी अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो हालात का समझौता करते हुए बाज़ार में ना आए, ये भी चीज़ जो है ना खरीदी कर हम में जो है ना हम मुसलमानों को जो है ना ये बदनाम करने की साजिश जो चल रही है वो साजिश को जो है ना रोक दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यादगिर तंजीमुल मुस्लिमीन और बैतुल माल की जानिब से एक दर्दमंदाना अपील की जाती है। तमाम यादगिर के मुसलमान ताजिरों से मुझे अपील की जाती है
और तमाम ख्वातीन मौजूद ख्वातीन और मर्दों से और बच्चों से गुजारिश की जाती है, चूँकि ये ईद जबकि जो है नमाजें मस्जिद में नहीं हो रही हैं और दीगर जो है COVID-19 के असरात हैं, हमको जो है पैसे की जो है किफ़ायतशारी से जो है लंबे दौर तक जो है चलना है, लिहाजा आप तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है, दरख्वास्त की जाती है, इल्तिमास की जाती है, जो ताजिर हैं और जो लोग ख्वातीन और मर्द हजरात और बच्चों से भी गुजारिश की जाती है कि इस ईद मुबारक को, ईद फितर को सादगी से मनाएं, अपने पास जो भी घर में अच्छे कपड़े हैं पहन कर ईद मनाएं। मैं आप तमाम लोगों से मुकर्रर और एक बार अपील करता हूं और सादगी से ईद मनाएं। मैं इतना कहते हुए आप लोगों से फिर एक बार दरख्वास्त करता हूं कि ईद फितर को सादगी से मनाएं।